आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 1 से 3 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। इस क्वेश्चन में जो नंबर है उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और जो आंसर आ रहा है कि आप उससे सरप्राइज हो, और जो आंसर आया उसको टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है कि आंसर जो है किस तरह का सेंस बनाता है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो नंबर दे रखा है उसको एक्स मान लेंगे पहले। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9999, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है 0.99 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 9 पे बार लगा है, तो यहाँ पे एक डिजिट में बार लगा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 0.999 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10x 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9.99, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.99 माइनस 0.999, ये 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 9, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, ये 9 इंटू में था तो इधर आके डिवाइड में, ये 9 से 9 कैंसिल, ये आंसर आया 1। तो ये जो आंसर आया कि आप इससे सरप्राइज हो ये बताना है, और इसको टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है कि आंसर किस तरह का सेंस बना रहा है। तो जैसे एक क्वेश्चन था 0.6 पे बार, जो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 0.6 है तो इसको लिख देना ये नंबर को 0.6, यहाँ पे बार कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे जितने पे बार रहता था, और इसके बाद इसको यहाँ पे 9 से डिवाइड देंगे, जितने डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 से डिवाइड देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/9, ये कैंसिल होगा, आएगा 2/3, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो 2/3 था। उसी तरीके से अगर 0.67 है, 67 पे बार है, तो ये हो जाएगा 0.67, बार 2 डिजिट में है तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 डिजिट में था तो 99 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 67/99। तो इस क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से, हम लोग को इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, और इसमें देखना है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा कितने डिजिट बाद वो रिपीट करेगा, और इसका डिविजन मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5th का। तो 1 को 17 से डिवाइड देना है, और ये डिवाइड तब तक देना है जब तक कि रिमाइंडर 1 ना आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 है, तो 0.90 है, डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 1 0 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 0 आएगा, फिर ये 17 5 बार में 85, ये यहाँ बचा 15, ये 0 आएगा, फिर 17 8 जा 136, ये बचा 14, फिर 0 आएगा, फिर 8 बार में जाएगा 136, यहाँ 4 बचा 0 आएगा, फिर 17 2 जा 34, ये आ गया 6, 0 आएगा,
सेवनटीन थ्री जा 50, वन नाइन आया 90 आया, 17 फाइव जा 85, फिर 50 आया। अब इसके बाद इधर करते हैं इसका डिवीजन, 50 है, 17 टू जा 34, ये 16 बचा, 0 आएगा, 9 बार में 153, फिर 7 0, 17 4 जा 68, 2 आया फिर 0 आएगा, एक बार में फिर ये 17, यहाँ 3 बचा, फिर ये 0, फिर ये एक बार में जाएगा 17, ये 13 बचा, 0 आया, फिर ये 7 बार में 119, ये आया 11, ये फिर 0 आएगा, फिर 110 को डिवाइड देना है, 17 सिक्स जा 102, ये 8 आया, फिर 0 आएगा, 17 फोर जा 68, फिर ये 12 आया, 0 आएगा, फिर 17 सेवन जा 119, ये 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आना था, स्टार्टिंग में भी 1 था, इसका मतलब ये अब फिर ये रिपीट होना चालू होगा, तो रिपीट होगा ये चीज़, सेम चीज़ रिपीट होगा, तो यहाँ पे इस पे ये पूरा पे बार लग जाएगा। तो ये कितने डिजिट के बाद रिपीट किया ये हमें बताना था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 16 डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हम एग्जांपल लेने हैं नेचुरल नंबर का पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्यू 0 नहीं होगा, पी और क्यू जो है इंटीजर्स है, कॉमन फैक्टर इसका जो 1 के अलावा और कोई नहीं है, जो हम लोग पी वाई क्यू को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होगा। तो हम लोग को इसमें बताना है कि Q जो है कौन सा प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लेना है, तो ये 2/5 हो गया, इसका कॉमन फैक्टर 1 है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 7/4, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 1.75 आएगा। एक और लेते एग्जांपल 9/100, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 0.09। तो यहाँ पे देखना है Q जो है कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 हो या फिर 5 का मल्टीपल हो तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल है मतलब 2 स्क्वायर है, इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे 100 है, तो 100 है इसका मतलब 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे क्यू जो है 5 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्यू है अगर 5 का पावर a इंटू 2 की पावर b हो, क्योंकि यहाँ पे q जो है 5 और 2 था और बोथ था, तो 5 का पावर a और 2 का पावर b हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे देन p
पी वाई क्यू इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है।